क्या एंगल क्या होता है, ये ट्राइंगल हम याद रखेंगे क्लास 9th या 10th में, जब भी आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी होगी, ठीक है, हाइट और डिस्टेंस वाला, तो वहां पे आपने इसको खूब पढ़ा होगा, 3, 4, 5 वाले को, ठीक है। तो ये वहीं से है ये वैल्यू, इसलिए कई बार एग्जाम में इसकी वैल्यू नहीं दी जाती है और कई बार आपको ये वैल्यू दे दी जाती है, cos 37 = आपको 4/5। नहीं दिया हुआ तो भी आप इसको याद करके निकाल सकते हो वहां पे। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, यहाँ पे डायरेक्टली देखें तो हम DC/PAN कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगी ये, ठीक है। नाउ अब हम निकाल लेते हैं TC, निकाल लेते हैं अपना कि TC हमारे पास कितना होगा, TC की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में। तो फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 3 × 3/5। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, 30 × 10 एंड 300 हो जाएगा। अच्छा, हमने यहाँ पे 100 × लिखा हुआ है जी, ये 300 हो जाएगा ना। थर्टी किलो 30 kg है ना ये, ठीक है। पूरा ये 30 kg का दिया हमारे पास में, 30 kg का। ओके नाउ, तो TC कितना हो जाएगा हमारे पास में, 30 mg, तो 30 × 10 हो जाएगा। अपान 3/5 था, अपान 3 हो जाएगा, ऊपर 5 जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो TV की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, देखो 3 से कट के 10 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 हो जाएगा, है ना। तो TV = 500 N हो जाएगा, TC = 300 N में है, और जब TB निकल गया तो TA भी निकल जाएगा, और TA कितना हो जाएगा यहाँ से, TA देन राम इक्वेशन 1, TA कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, ठीक है बेटा, समझ गया। एक तो तरीका ये था जिसको आपको बनाना है, देखना है, लगाना है, और दूसरा तरीका जो हम प्रेफर करते हैं बच्चों को कि आप एग्जाम में यूज करो, मैं वो बताने जा रहा हूँ। ओके, तो आप देखो, हमें एंगल पता है, एंगल कितना पता है, कि ये एंगल 90 डिग्री था, ये एंगल आपका 37 डिग्री है हमारे पास में, तो ये एंगल टोटल कितना हो जाएगा। देखो, तो ये टोटल एंगल 180 होता है, 180 में से 37 माइनस कर दो, तो ये एंगल जो कितना बचेगा, 180 - 37 कितना बचेगा, ये 180 - 37 डिग्री है ना। ये एक एंगल हो गया, ये एंगल कितना हो जाएगा आपके पास में। तो इस वाले डायग्राम को देखो, डायरेक्टली देखो यहाँ पे, तो इसको देखें तो क्या मिलेगा हमको यहाँ से, ये आपका 90 डिग्री है और ये 37 ऐड हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 + 37 डिग्री हो जाएगा ये। अच्छा, और ये आपके पास कितना एंगल, ये 90 ही है आपके पास में, ठीक है, ये कितना है, ये 90 है। अब कहीं पे भी अगर 90 डिग्री एंगल मिल जाए, एक भी एंगल मिल जाए, तो आपका कैलकुलेशन बहुत इजी कर देता है वो, ठीक है। तो अब क्या करें, इसकी वैल्यू लिख लेते हैं यहाँ पे हम। वैल्यू क्या है, TA के आगे कितना एंगल बेटा है, 90 + 37 है, तो कितना हो जाएगा ये, साइन 90 + 37 हो जाएगा, सब डिग्री में है ये। टीबी, तो बी के सामने का एंगल कितना है बेटा, 90 डिग्री है, ये साइन 90 डिग्री हो गया। और टीसी, तो टीसी इसके सामने का एंगल कितना है, 180 - 37 है, तो साइन 180 - 37। ओके, दिस इंप्लाइज TA/sin 90 + θ, sin 90 + θ जो होता है वो cos θ बन जाता है, क्या बन जाता है बेटा, sin 90 + θ आपका cos θ बन जाता है, ठीक है। और sin π - θ यानी 180 - θ जो होता है वो sin θ रह जाता है। तो TA/ ये बन जाएगा cos 37, और sin 90 की वैल्यू 1 होती है, ये TV हो जाएगा। और ये आपका TC की वैल्यू हमको पता है, कितना पता है, 300 न्यूटन, ठीक
आई ये कितना बन जाएगा, साइन 37 डिग्री बन जाएगा। ओके ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, टी ए निकालना है, टी बी निकालना है, तो इन दोनों रिलेशन को ले लो, टी बी निकल जाएगा, अब फर्स्ट और थर्ड रिलेशन को तो टी सी निकल जाएगा। समझा क्या? दिस इंप्लाइज टी बी इक्वल टू 300 न्यूटन। अपन साइन की वैल्यू 37 की हम बताया था हमने कि 3 बाई कितना होता है, 5 होता है ना, तो कितना हो जाएगा 500 न्यूटन। और टी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास में, तो टी ए इक्वल टू अगर हम फर्स्ट और थर्ड को ले लें तो कितना हो जाएगा 300 न्यूटन इंटू, नीचे साइन है ऊपर कास है, कास ऊपर चला जाएगा यहाँ साइन नीचे, तो cot 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? cot 37। और cot की वैल्यू जो होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर होती है। बेस कितना था, ट्रायंगल हमने देखा था इसमें क्या होता है, 5 3 4, 3 4 5 ठीक है, तो बेस आपका 4 हो जाएगा, बाई 3 हो जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 400 न्यूटन आ गया ना। तो इसमें अगर आपको थोड़ी सी मैथमेटिक्स आती है, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री आती है, तो ये वाला आपको बहुत जल्दी बहुत फास्ट आंसर देगा। अगर ट्रिग्नोमेट्री में दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होती है, तो हमने पहले जैसे रिजॉल्व किया था उस तरीके से रिजॉल्व करके उसको बना लेंगे हम। ओके समझ आ गया? यस सर। लवण्य जी यस, कांस्टेंट रिलेशन द इक्वेशन शोइंग ठीक है बेटा। तो केस ए है जब आपका स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल हो, मतलब उसमें कोई खिंचाव ना हो, उस सिचुएशन में जो बी का डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट में होगा वही ए का हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा, और अगर ये डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम में है तो उनकी स्पीड और एक्सिलरेशन सेम होगा, वेलोसिटी नहीं होगी क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है ना। यहाँ पे एक्सिलरेशन की जो बात हो रही है उसकी मैग्नीट्यूड की बात हो रही है खाली, ठीक है बेटा, एक्सीलरेशन के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है खाली। तो इसको चाहे तो और भी अच्छे से लिख सकते हैं, देन स्पीड एंड एक्सीलरेशन मैग्नीट्यूड, क्या लिखें इसको, स्पीड एंड एक्सीलरेशन मैग्नीट्यूड, ज्यादा अच्छा वर्ड होगा क्योंकि अदरवाइज कंफ्यूजन होगा, स्पीड एंड एक्सीलरेशन मैग्नीट्यूड। नेक्स्ट पेज पे लिख दो क्या इसको, क्या